हेलो एवरीवन, सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मामा अर्थ के इस अपटन फेस वॉश का, जो कि आई थिंक इसको मैं 1.5 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। लिटरली ये ख़त्म होने वाला था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका रिव्यू कर दूँ। एंड मुझे ये फेस वॉश कैसा लगा, किस स्किन टाइप को ये बेस्ट रहेगा फेस वॉश एंड कैसा है, सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको इसके बारे में हर चीज़ पता चल जाएगी। एंड इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो पर आप बिल्कुल नहीं जाओगे इसके रिव्यू के लिए। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको रिसीव होता है एंड इसकी ट्यूब टाइप की कुछ पैकेजिंग है। एंड मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी लगी, कुछ ऐसा फैंसी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी पैकेजिंग है, ठीक है। एंड आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी तो बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि मेरे बगल में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसकी वजह से वॉल्यूम मतलब वॉइस आपको आ सकती है बैकग्राउंड नॉइज़। सो इसका जो नाम है वो है मामा अर्थ अपटन फेस वॉश विथ टर्मरिक एंड सेफ्रॉन फॉर, यहाँ पे देखोगे आप 10 रिमूवल। सो ये जो फेस वॉश है ना वो 10 रिमूवल के लिए है बेसिकली। एंड बाकी इसमें जो भी सारी चीज़ें दिखी आगे पीछे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो मेन है, पैराबिन एंड सल्फेट फ्री है ये फेस वॉश, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट्स ऑल स्किन टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी ये सूट किस स्किन टाइप को बेस्ट तरीके से कर रहा है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। एंड इसमें आपको नेट कॉन्टेंट मिल जाता है 150 ml। एंड पीछे यहाँ पे इसके यहाँ पे लिखा गया है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, मतलब इस फेस वॉश को बनाने में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हुआ है। रिपेयर सन डैमेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्राइटन्स स्किन, आपके स्किन को गोरा चिट्टा करता है, ठीक है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ इसमें लिखा हुआ है सो फ्री है ये, पीएच बैलेंस्ड है इसका, ठीक है। काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, मैं सारे पढ़ के नहीं बता सकती हूँ फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन फॉर यूज़ दी गई है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। एंड ये जो प्रोडक्ट है ना, अब इसमें इसका प्राइस बता देती हूँ, 150 ml प्रोडक्ट आपको इसके अंदर मिल रहा है एंड इसका जो प्राइस है वो है 375 rupees। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, मार्केट में भी काफ़ी सारे स्टोर्स में आपको अवेलेबल होगा, मिल जाएगा। तो इसका जो प्राइस है वो 375 है, वैसे यहाँ पे 375 लिखा है, मार्केट से लोगे तो मे बी इतने में ही मिले, बट ऑनलाइन तो हमेशा ये सस्ता ही मिलता है। मैंने आई थिंक 333 rupees में इसको बाई किया था, सो 330 rupees में आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा ये वाला जो फेस। 150 ml 330 rupees में मिलना बहुत ग्रेट डील है, बहुत अच्छी डील। ये तो था सारा इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, मतलब ये जो फेस वॉश है वो ये सारे क्लेम्स कर रहा है जो भी मैंने आपको बताया, एंड इसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। नाउ अब मैं आपको ना इस फेस वॉश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ जो कि आई थिंक आपको पता होनी ही चाहिए। एंड कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें बुरी है, ठीक है। तो पहले अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। ये जो फेस वॉश है वो सोप फ्री है, जब आप इससे अपने फेस को वॉश करोगे तो वो झाग नहीं बनाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सोप फ्री होने की वजह से ये जो फेस वॉश है ना आपके एक्सेस ऑयल को ही रिमूव करता है, आपके स्किन के आपके फेस के जो इंटरनल ऑयल होता है ना उसको रिमूव नहीं करता है। उसकी वजह से आपका जो फेस है ना वो ड्राई फील नहीं करता इसको फेस को वॉश करने के बाद भी। जब आपने अपने फेस को वॉश कर दिया तो उसके बाद आपका फेस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड काफ़ी प्लम्पी एंड काफ़ी नरिश लगता है, ऐसा बिल्कुल ड्राइंग नहीं लगता है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। सेकंड, पीएच इसका बैलेंस्ड है, तो पीएच बैलेंस्ड होने की वजह से ये आपके फेस पे किसी भी तरह की इरिटेशन नहीं करेगा, पिंपल या रैशेज या रेड हो जाती है स्किन किसी कोई कोई फेस वॉश यूज़ करने के बाद, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होगी। ये दो तीन चीज़ें तो इसकी काफ़ी अच्छी थी, बट जो मुझे इसमें इसकी चीज़ ख़राब लगी वो लगी कि इस फेस वॉश के अंदर ये काइंड ऑफ स्क्रब जैसा स्क्रब होता है ना, स्क्रब के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो इसके अंदर वैसा है, तो ये चीज़ मुझे इसकी ख़राब लगी। बाकी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ इसको। सो इसका जो ये कुछ इस तरह का आपको दिखता है, ठीक है, सो ये कुछ इस तरह का है, ठीक। एंड अगर मैं इसको इस तरह से करूँ ना तो आपको इसमें ना पार्टिकल्स दिख जाएंगे, आई होप आपको विजिबल हो, छोटे छोटे से पार्टिकल्स है, बहुत कम है बट हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। अब ये चीज़ मुझे क्यों अच्छी नहीं लगी वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। सो अब इसके बाद पहले इसको वॉश कर लेती हूँ मैं। नाउ 1.5 मंथ यूज़ करने के बाद मुझे ये फेस वॉश कैसा लगा एंड मैं इसको आपको रिकमेंड करूँगी या नहीं, और कौन सा स्किन टाइप इसको कौन से स्किन टाइप के लिए बेस्ट रहेगा वो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। सो 1.5 महीने यूज़ करने के बाद मुझे ये फेस वॉश उतना बुरा नहीं लगा, ठीक है। पहले मैं आपको इसकी अच्छी चीज़ें बता देती हूँ।
ये जो फेस वॉश है ना, जब आप इससे अपने फेस को वॉश करोगे, जैसे मैंने बोला सोप फ्री है, तो वॉश करने के बाद भी कई टाइम तक अगर आप अपने फेस को मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हो, क्रीम लाइक मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हो, तो उसके बाद भी आपका जो फेस ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, नहीं, आपका फेस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड नरिश रहेगा एंड काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सेकंड, जैसे मैंने आपको बोला कि ये 4-10 रिमूवल के लिए ये फेस वॉश है, तो ये आपके स्किन, जब आप इससे अपने फेस को वॉश करोगे ना, आपने कितना भी हैवी मेकअप किया हुआ, ये आपके मेकअप को भी रिमूव कर देता है, काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर देता है, ये तो मानना पड़ेगा भाई इस फेस वॉश का। नेक्स्ट, ये आपके इसमें जैसे मैंने बोला स्क्रब पार्टिकल्स हैं, तो ये आपके डेड स्किन को रिमूव कर देता है काफी अच्छे से एंड आपके सन टैन को भी रिमूव करता है काफी अच्छे से, नो डाउट। ये सारी चीजें जो मुझे अच्छी लगी मैंने आपको बताई, बट प्रॉब्लम एक ही है कि इसमें स्क्रब पार्टिकल्स है एंड डेली आप इस फेस वॉश को यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसा फेस वॉश ढूंढ रहे हो जो आप डेली यूज़ करने के लिए बाय करना चाह रहे हो एंड काफ़ी अच्छा हो डेली यूज़ के लिए, तो मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें आपने देखा कि स्क्रब पार्टिकल्स हैं, उनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जो कि काइंड ऑफ ये फेस वॉश स्क्रब काइंड ऑफ फेस वॉश, ये बहुत कम है बट हैं, तो मैं ऐसे डेली स्क्रब नहीं कर सकती अपने फेस को, क्योंकि स्क्रब हफ्ते में 2 बार भी बहुत होता है एंड डेली आप इस फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करोगे काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देगा, नो डाउट, बट डेली स्क्रब करना इज नॉट गुड एंड इस फेस वॉश का यही चीज़ मुझे ख़राब लगी। अगर आप इसको हफ्ते में 2 या 3 बार यूज़ करने के लिए बाय करोगे तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, बट अगर आप एक ऐसा फेस वॉश ढूंढ रहे हो जो आप डेली यूज़ करने के लिए ढूंढ रहे हो, तो मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं इसको ऑयली स्किन वालों को विंटर्स में रिकमेंड करूँगी, कि ऑयली स्किन वाले तो समर्स और विंटर में दोनों में इसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सीजन में इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ड्राई स्किन वालों को मैं इसको विंटर्स में रिकमेंड नहीं करूँगी। आप समर्स में यूज़ कर सकते हो इसको, आई थिंक समर्स में ये आपके स्किन को काफ़ी अच्छे से और भी हाइड्रेट रखेगा, बट विंटर्स में तो ये आपकी स्किन को सॉफ्ट या हाइड्रेट नहीं रख पाएगा, तो ड्राई स्किन वाले इसको विंटर्स में स्किप कर सकते हैं, बाकी ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी सीजन में। इसको उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगी जो कि इसको हफ्ते में 2-3 बार ही यूज़ करने वाले हैं, बाकी अगर आप डेली यूज़ करने वाले हो तो रुक जाओ, थम जाओ, इसको मत खरीदना, डेली यूज़ के लिए ये फेस वॉश नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू इस प्रोडक्ट के ऊपर, आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हो एंड आपको इस फेस वॉश के बारे में और जानकारी के लिए कोई दूसरी वीडियो ना देखनी पड़ी हो, इतनी मैंने आपको बता दी हो इसके बारे में सारी चीज़ें। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी एंड हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को आपने क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो क्या ही कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर देना ताकि मेरी ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।